सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा या वर्किंग आउट वीडियोस मेंटली फिजिकली जैसे मैंने मेंशन किया, वर देयर एक कोई पीरियड था वेयर यू जस्ट ब्रोक डाउन, होता है व्हेन यू आर जस्ट पुशिंग योरसेल्फ फॉर द रोल फॉर द कैरेक्टर, सो वाज देयर अ मोमेंट वेयर यू फेल्ट लाइक गिविंग अप बट स्टिल यू डिडंट गिव अप लाइक अ चैंपियन? I think lots of moments were there where I felt that it's an unbelievable thing कि मुझे इतने सारे स्पोर्ट्स एक साथ सीखने और इतनी फिजिकलिटीज बार बार बदलनी है, या फिर मुझे इतना इसमें प्रोफेशनल बॉक्सर्स के साथ बॉक्सिंग करनी है, या प्रोफेशनल रेसलर्स के साथ रेसलिंग और स्विमर्स के साथ जो ओलंपियंस हैं उनके साथ स्विमिंग करना, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बड़ी कई बार ओवरवेलमिंग हो जाती थी टू थिंक ऑफ इट. बट आई वाज आल्सो वेरी मतलब प्लान्ड इन अ वे वेयर आई थॉट कि मैंने जानबूझ के वो टाइम लेके उस चीज़ में ड्वेल किया, उस चीज़ में घुसा जिसमें मुझे लगा कि ये टाइम मेरे लिए बहुत ज़रूरी था टू प्रेप फॉर द फिल्म. तो मैं बस सीधा ही इस फिल्म में नहीं घुस गया. सो टू बीट विथ एवरी थिंग, इवन द डायलैक्ट, इवन द वे द थिंकिंग ऑफ द कैरेक्टर वुड बी, तो वो सारी चीज़ें सोचते हुए हम सब ने वो टाइम लिया ओवरऑल प्रेप के लिए. और एंड देन थैंकफुली जब when आई मीन when द टाइम केम, आई थिंक वी वर थरोली प्रिपेयर्ड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट जस्ट वर्कड आउट मैजिकली. बट बहुत ऐसे इंस्टेंसेज होते थे कि आज मुझे बॉक्सिंग सीखना है, स्विमिंग तो मैं ऐसा सोचता था मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, यू नो, एंड बॉडी में भी कई बार ऐसा लगता था कि क्या वो अचीव कर पाएंगे. तो देयर वर इंस्टेंसेस जहाँ पे शुरू में बहुत स्टार्ट में बहुत लगता था. सबके साथ होता है, आई फील कार्तिक, लाइक देयर आर डेज व्हेन यू डोंट फील लाइक गेटिंग अप एंड यू नो जस्ट, बट यू हैव टू पुश योरसेल्फ